नमस्कार दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और मूवी में लॉरा और बॉब पिकलर मिडिल एज का एक कपल है जो जॉनस्टन काउंटी आयोवा में रहता है। बॉब पिकलर एक बटर कार्वर है और पिछले 15 सालों से इस बिजनेस में सबसे बेस्ट रहा है। उसकी कला को पूरे काउंटी में सम्मान और प्रशंसा मिलती है। फिल्म की शुरुआत में पिकलर कपल एक इवेंट में है जो खास बॉब की शानदार बटर कार्विंग करियर को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। इन सालों में लॉरा अपने पति के साथ खड़ी रही है, उसे चीयर करती रही है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसे इससे पब्लिसिटी मिलती है। वह खुद को बटर कार्विंग की रॉयल कपल कहती है। इवेंट में बॉब के संघर्ष और उसकी बटर क्राफ्टिंग के प्रति जुनून की कहानी बताई जाती है। उसका सबसे ताजा स्कल्पचर द लास्ट सपर का लाइफ साइज रेप्लिका शो का केंद्र बिंदु है, जिसे सभी पसंद करते हैं। लॉरा उनकी प्रभावशाली स्थिति को बटर कार्विंग से राजनीति तक ले जाना चाहती है, लेकिन उसकी यह इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई है। वह इस बिजनेस को बॉब से ज्यादा गंभीरता से लेती है और मानती है कि वे अजय हैं। काउंटी में ही कहीं और 10 साल की अफ्रीकी अमेरिकी फोस्टर बच्ची डेस्टिनी टीवी पर पिकलर्स को देखती है और चाहती है कि वे उसे गोद लें। अपनी पूरी जिंदगी उसने फोस्टर केयर में बिताई है, एक फोस्टर पेरेंट से दूसरे तक जाती रही है। वह अतिवादी क्रिश्चियन और ड्रग एडिक्ट्स के साथ भी रह चुकी है। एक बार तो उसे एक बूढ़े कपल ने गोद लिया था जो उसके घर में रहते हुए ही मर गए थे। एक दिन उसे जॉनस्टन काउंटी कार्निवल में ले जाया जाता है, जहां वह बॉब की द लास्ट सपर की लाइफ साइज्ड बटर स्कल्पचर देखती है। डेस्टिनी इस स्कल्पचर से इतनी प्रभावित होती है कि वह कूलर में जाकर उस होली ग्रेल कप को कुशलता से पूरा कर देती है जिस पर बॉब काम कर रहा था। बॉब उसे यह करते हुए देखता है और उसकी स्किल्स से प्रभावित होता है। वह कप को स्कल्पचर टेबल पर रखता है और छोटी लड़की की तारीफ करता है। उसी हफ्ते एक कपल जिसका नाम जिल और इथन एमेट है, डेस्टिनी को फोस्टर करने के लिए घर लाते हैं। वे अपने परिवार में एक नया सदस्य जोड़ने को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन डेस्टिनी इतनी खुश नहीं है। उसने कई घर बदले हैं और उसे विश्वास है कि एमेट्स के साथ उसका रहना भी थोड़े समय का ही होगा। कपल उसे उसके नए बेडरूम में ले जाता है जिसे उन्होंने पिंक रंग से पर्सनलाइज किया है। वे उससे पूछते हैं कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है और उसे आश्वस्त करते हैं कि वह उनसे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकती है। इस बीच बॉब की प्रभुत्व के कारण उससे अनुरोध किया जाता है कि वह भविष्य के बटर स्कल्पिंग प्रतियोगिताओं से दूर रहे ताकि दूसरों को मौका मिल सके। बॉब विनम्रता से भाग लेने से रिटायर होने के लिए सहमत हो जाता है और जजिंग पैनल में रहने के लिए खुश है। हालांकि राज्य के मुख्य जज ओरवल लॉरा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वह प्रतियोगिता को बहुत गंभीरता से लेती है। वह लगभग डरते हैं कि वह बॉब से रिटायरमेंट मांगने पर उन पर हमला कर देगी। घर पर जब लॉरा को इस बारे में बताया जाता है तो वह एक फूलदान गिरा देती है। वह यहाँ तक धमकी देती है कि गवर्नर को फोन करके ओरवल को इस पद से हटवा देगी, क्योंकि उसने ऐसा बेतुका सुझाव दिया। लॉरा के लिए उनका बटर स्कल्पिंग बिजनेस ही जीवन की एकमात्र खुशी और गर्व है। यह वही चीज है जो उसे समाज में प्रासंगिक बनाए रखती है, इसलिए वह इसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। वह अपने पति को उसके लिए खड़ा न होने के लिए तुच्छ समझती है और कहती है कि अगर उसने अपने हाई स्कूल स्वीट हार्ट और कार डीलरशिप के मालिक पॉयट बोल्टन से शादी की होती तो बेहतर होता। बॉब जो उसके अपमान का आदी हो चुका है फिर भी आहत होता है। वह घर से बाहर निकलता है और लॉरा के चिल्लाने के दौरान कार चलाकर चला जाता है। इस सब के बीच बॉब की पहली शादी से उसकी बेटी कैटलिन पिकलर बाहर बैठी संगीत सुनती रहती है। वह अपने माता पिता के झगड़े की आदी हो चुकी है, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लॉरा ओरवल के घर बॉब की रिटायरमेंट के बारे में बात करने जाती है। बूढ़ा आदमी अपने बेडरूम में छिप जाता है उससे डरकर। अंत में उसकी पत्नी को लॉरा को भेजना पड़ता है। इस बीच बॉब एक स्ट्रिप क्लब में जाता है और एक स्ट्रिपर नाम ब्रूक से नजरें मिलाता है। वह उसे लुभाकर गोद में डांस देती है और अगर वह उसे पर्याप्त पैसा दे तो आगे बढ़ने की पेशकश करती है। दोनों अपनी कार में यौन संबंध बनाते हैं, लेकिन लॉरा द्वारा पकड़े जाते हैं जो घर लौट रही होती है। वह अपनी कार बॉब की कार में टक्कर मार देती है, उसकी मुलाकात को बाधित करते हुए। घर लौटने के बाद वह उससे कहती है कि वह रात को सोफे पर सोए, लेकिन बॉब तो सालों से ऐसा कर रहा है। दोनों पति पत्नी अपने रिश्ते में दुखी हैं, लेकिन लॉरा को समाज में प्रासंगिक बने रहने के लिए उसके साथ रहना पड़ता है। वह बड़बड़ाती रहती है कि उन्हें अगली प्रतियोगिता के लिए तैयारी करनी है। जब बॉब सुवीन बार कहता है कि वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है तो वह दावा करती है कि इस साल वह प्रतिस्पर्धा करेगी। उसे विश्वास है कि बटर स्कल्पिंग प्रतियोगिता केवल एक पिकलर ही जीत सकता है और अगर बॉब नहीं कर सकता तो वह करेगी। अगले दिन डेस्टिनी अपने नए स्कूल जाती है जहाँ सभी शिक्षक और छात्र गोरे हैं। वह बताती है कि सभी उसके प्रति बहुत अच्छे हैं, हालांकि वे उसे बहुत घूरते हैं। जब वह घर लौटती है
तो वह ईथन से कहती है कि उसे कुछ चाहिए। ईथन उसे कुछ भी दिलाने के लिए तैयार है और सोचता है कि वह गुड़िया या स्टेशनरी मांगेगी। हालांकि वह तब चौंक जाता है जब वह 200 पाउंड मक्खन मांगती है। बॉब की बटर स्कल्पचर देखने के बाद उसे खुद से स्कल्पिंग करने में दिलचस्पी हो गई है। कहीं और पिकलर्स डिनर के लिए तैयार हो रहे हैं। लॉरा कैटलिन को घोषणा करती है कि वह इस साल बॉब की जगह प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। कैटलिन इस विचार पर हंसती है, यह दावा करते हुए कि लॉरा को स्कल्पिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। जब बॉब दरवाजा खोलता है तो वह बाहर ब्रूक को देखकर हैरान हो जाता है। वह $600 मांगने आई है जो बॉब उसे यौन सेवा के लिए देता था। वह उसे किसी तरह वापस भेज देता है, लेकिन ब्रूक अपने पैसे वापस पाने के लिए अड़ी रहती है। एमेट के घर में डेस्टिनी मक्खन से छोटी मूर्तियां बनाती है। जिल उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करती है और उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगले दिन लॉरा काउंटी सेंटर जाती है ताकि प्रतियोगिता के लिए अपना नाम दर्ज करवा सके। प्रस्तुतकर्ता नैन्सी उसकी दिलचस्पी देखकर चौंक जाती है, लेकिन उसका नाम लिख लेती है। इसके बाद लॉरा की पुरानी दोस्त कैरोल एन भी प्रतियोगिता के लिए अपना नाम दर्ज कराती है। डेस्टिनी के अनुरोध पर ईथन उसे भी वही ले आता है ताकि वह भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके। चूंकि प्रतियोगिता में कोई आयु सीमा नहीं है, वह भी इसमें भाग ले पाती है। फिर सभी को चौंकाते हुए ब्रूक भी वहां आती है और बटर स्कल्पिंग में रुचि होने का दावा करती है। जब लॉरा उसके कपड़ों और पेशे का अपमान करती है तो वह गुस्से में अपना नाम लिखती है और लॉरा को नष्ट करने की कसम खाती है। इसके बाद डेस्टिनी और लॉरा आगामी प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर देते हैं। लॉरा काफी प्रगति करती है, मुख्यतः क्योंकि उसने वर्षों से बॉब को यह करते हुए देखा है, लेकिन डेस्टिनी भी उतनी ही अच्छी है। प्रतियोगिता के दिन एक भीड़ प्रतिभागियों को मूर्तियां बनाते देखने के लिए इकट्ठा होती है। डेस्टिनी हैरियट ट्यूबमैन की एक खूबसूरत मूर्ति बनाती है, जबकि लॉरा एक परिवार के 3 सदस्यों को एक साथ भोजन करते हुए बनाती है। कैरोल एन दूसरी तरफ बास्केट में बिल्लियों की एक खराब बनी मूर्ति बनाती है। ब्रूक केवल आखिरी मिनट में आती है और मक्खन के ब्लॉक पर बस एक स्माइली फेस बनाती है। निर्णय से पहले सभी को अपने कला के बारे में कुछ कहना पड़ता है। डेस्टिनी एक अनाथ काली लड़की होने के बारे में दिलछू लेने वाला भाषण देती है। वह और लॉरा शीर्ष 2 में होती है और अंत में परिणाम उसके पक्ष में घोषित होता है। लॉरा पूरी तरह से टूट चुकी है। वह अभी भी प्रतियोगिता हारना नहीं चाहती, इसलिए वह चीजों को ठीक करने की योजना बनाती है। अगले दिन वह अपने हाई स्कूल के प्रेमी बॉयर बोल्टन से मिलने जाती है और थोड़ी मदद के बदले में उसे यौन संबंध बनाने की पेशकश करती है। इस बीच ब्रूक फिर से पैसे मांगने के लिए पिकलर के घर आती है। इस बार कैटलिन उसे अंदर आने देती है। ब्रूक के रूप और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह उसे ट्रूथ या डेयर खेलने के लिए कहती है। चीजें तेजी से बढ़ती हैं और दोनों के बीच यौन संबंध बन जाते हैं। इसके बाद ब्रूक अभी भी कैटलिन से वह पैसे मांगती है जो बॉब उसे देना था और कैटलिन उसे वापस करने के लिए सहमत हो जाती है। अगले दिन एथन को डेस्टिनी को एक मक्खन कंपनी के मुख्यालय में लाने के लिए कहा जाता है ताकि एक समस्या पर चर्चा की जा सके। जब सभी लोग वहां होते हैं तो बॉयर दावा करता है कि एथन ने उसे डेस्टिनी को मूर्ति बनाने में मदद करने के लिए पैसे दिए थे जिससे वह जीत गई थी। भले ही उन्होंने सबके सामने मूर्ति बनाई हो और आरोप का कोई आधार न हो, डेस्टिनी फिर से मैच के लिए सहमत हो जाती है। बैठक के बाद लॉरा खुश होती है कि उसे जो चाहिए था वह मिल गया। यहाँ तक कि बॉयर भी टिप्पणी करता है कि एक बच्चे पर झूठा आरोप लगाना थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अब लॉरा को उसकी परवाह नहीं है क्योंकि उसने उसका इस्तेमाल कर लिया है। दूसरी ओर कैटलिन को ब्रूक से प्यार हो गया है। वे एक पार्क में साथ समय बिताते हैं। कैटलिन ब्रूक को उसके पिता द्वारा दिए गए पैसे से दुगना पैसा देती है। इसके बाद ब्रूक डेस्टिनी को उसके स्कूल से उठाकर बटर क्राफ्टिंग के लिए उपकरण खरीदने के लिए मॉल ले जाती है। वह लॉरा को किसी भी कीमत पर हारते हुए देखना चाहती है, इसलिए वह छोटी लड़की को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। जब डेस्टिनी उस दिन घर लौटती है तो अनाथालय की एक महिला उससे मिलने आती है। उन्हें आखिरकार उसके जैविक माता पिता के बारे में पता चल गया है। उसे उसकी दिवंगत माँ की एक तस्वीर दी जाती है जिसमें वह उसे गोद में लिए हुए है जब वह सिर्फ एक बच्ची थी। रात में छोटी लड़की भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि वह अपनी माँ को उसे अनाथालय में डालने के लिए माफ कर देती है। अगले दिन आयोवा राज्य मेला है और भव्य प्रतियोगिता का दिन है। डेस्टिनी और लॉरा दोनों का प्रदर्शन देखने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। घंटों की मेहनत के बाद दोनों ने खूबसूरत कलाकृतियां बनाई और भीड़ को प्रभावित कर दिया। डेस्टिनी ने अपनी और अपनी माँ की एक मूर्ति बनाई है जैसा कि उसने तस्वीर में देखा था, जबकि लॉरा ने JFK की हत्या को दर्शाया है। परिणाम अगले दिन घोषित किए जाएंगे। कार्यक्रम के बाद सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन लॉरा थोड़ी देर और रुकती है। जब हॉल खाली होता है तो बॉयड वहाँ आता है और डेस्टिनी की मूर्ति में बच्चे का चेहरा पिघला देता
करता है। वह ऐसा लॉरा का ध्यान फिर से आकर्षित करने के लिए करता है। अगली सुबह डेस्टिनी और एमेट परिवार जब हॉल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी मूर्ति खराब हो गई है। एथन जूरी से बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन वे कहते हैं कि उन्होंने पहले ही विचार विमर्श शुरू कर दिया है, इसलिए कुछ नहीं बदला जा सकता। गुस्से में एथन प्रतियोगिता का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मक्खन को टोस्ट पर लगाना चाहिए। अंत में सुरक्षा कर्मियों को उसे रोकना पड़ता है। कुछ समय बाद लॉरा और डेस्टिनी का सामना बाथरूम में होता है। डेस्टिनी उसे शुभकामनाएं देती है, लेकिन लॉरा गर्व से उसका हाथ नहीं मिलाती। कुछ पलों बाद लॉरा कहती है कि डेस्टिनी अभी बच्ची है, उसके पास जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यह उसका एकमात्र मौका है। उसकी भावनाओं को सुनकर डेस्टिनी को लॉरा के लिए बुरा लगता है। अंत में विजेता की घोषणा का समय आता है। ऑरविल मंच पर आते हैं और कहते हैं कि वर्षों से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकांश लोग बेहतरीन संरचनाएं बनाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सच्ची कला बना पाते हैं। वे कहते हैं कि डेस्टिनी की मूर्ति में बच्चे का पिघला हुआ चेहरा प्रश्नोत्तर परित्याग का प्रतीक है। उसकी कला के गहरे अर्थ के कारण वे उसे फिर से विजेता घोषित करते हैं। भीड़ जोरदार जयकार करती है। डेस्टिनी मंच पर जाकर लॉरा से कहती है कि वह मक्खन की मूर्ति प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा कर सकती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, अपनी प्रतिद्वंद्विता को भूल जाते हैं। कुछ समय बाद डेस्टिनी को आधिकारिक तौर पर जिल और एथन द्वारा गोद ले लिया जाता है। दूसरी ओर लॉरा अब गवर्नर बनने के लिए चुनाव लड़ रही है अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ। ये था इस वीडियो का सारांश। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म का पुनर्कथन करें तो कमेंट करें। तब तक अपना ख्याल रखें।